from the red corner. जब मैच का रिजल्ट आया तो मैं भी काफी शॉक थी कि क्योंकि मैंने टू राउंड उसको डोमिनेट करके रखा. मुझे यही था कि जो ज़्यादा डोमिनेट करके रखता है वही फाइट विन करता है. तो मेरे लिए शॉकिंग था डिसीजन, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैं अभी मेरा नेट टारगेट है वो अपने नेक्स्ट मैच पे है, तो उस चीज़ को मैं भूल कर अपने नेक्स्ट मैच पे फोकस कर रही हूँ. और जो मेरी अपोनेंट है लीन वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और बिल्कुल ये मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है. मेरा फाइट प्लान यही है कि मैं जल्दी से जल्दी इस मैच को फिनिश करूं और प्रूव करूं कि मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करके और मैं अपनी नई टेक्निक दिखाऊं कि हाँ नई टेक्निक के साथ जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहूँगी. मैं चाहूँगी कि सबसे जो मेरा मैच है अभी लीन के साथ मैं उसको बीट करके और अपने आप को प्रूव करूं और बिल्कुल मैं और पूरी वर्ल्ड को पूरे फैंस को दिखा दूँ कि हाँ मैं ग्रैंड प्रिक्स में डिजर्व करती हूँ. तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है कि एक दूसरी कंट्री में मतलब एक फैमिली जैसे फ्रेंड एक बड़ी सिस्टर मिलती और एक अच्छी फ्रेंड भी तो वो काफ़ी हेल्प करती है. तो यहाँ पे आके मेरी सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग है वो जिन्नान के साथ. I'm just finished my training. Now I'm going to Little India और वहीं पे जाकर मैं अपना डिनर करूँगी. Let's go. बिल्कुल मैं यहाँ पे ये मंदिर है और मैं यहाँ पे आती हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं गॉड में बिलीव करती हूँ. तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने आती हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. मुझे अंदर से मतलब एक अच्छा फील महसूस होता है तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आती हूँ पूजा पाठ करने. तो बिल्कुल जब मैं लिटिल इंडिया आती हूँ तो ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं इंडिया में बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है कि जब हम मतलब इंडिया फ्लैग को लेकर इंडिया फ्लैग को जब टोक्यो ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लोगों का सपोर्ट काफ़ी लोगों का प्यार मिल रहा है. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है. तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें क्या फील होता है अंदर से, कितनी खुशी होती है, कितना क्या फील करते हैं हम जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. चैंप इज हियर. नाउ आई एम गोइंग टू कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट और वहाँ की मुझे रबड़ी फलूदा बहुत अच्छी लगती है. और लिटिल इंडिया में मैं रेस्टोरेंट है यहाँ पे काफ़ी अच्छे तो कभी जब मन करता है बाहर खाने का. स्वीट एंड साल्ट वाटर. When I miss my home food, so I come here and eat. यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था और मैं बिल्कुल मेरा पेट पूरा भर गया है और मैं अब घर जाकर रेस्ट करना चाहूँगी. मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जब अभी जब जाकर रेस्ट करूँगी और फिर कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी. मैं जब रिंग में जाती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि कौन ये वर्ल्ड चैम्पियन है, इसने मतलब इसका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है. तो बिल्कुल जब मैं केज में जाती हूँ तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ मैच पे रहता है और मैं वहाँ पे जाकर अपना 110% देती हूँ. मैं किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेती. बिल्कुल मैं हमेशा अपने मैच से पहले एक्साइटेड रहती हूँ कि मैं रिंग में जाकर जो मैंने हार्ड ट्रेनिंग की है इतने मतलब अपने फाइट कैंप में सब कुछ तो वो वहाँ पे रिंग में जाकर अपना 110% दूँ. तो मैं बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं लेती फाइट से पहले. पेंडा माई फ्रेंड माई सिस्टर चाइनीज चैम्पियन पेंडा गिव मी दिस वन. ठीक हो तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि हमेशा मतलब अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि मैं सिंगापुर में क्यों गई हूँ, कि मेरा क्या उद्देश्य है. तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है. वो चीज़ मैं जब भी थोड़ा बहुत डाउन फील करती हूँ तो वो चीज़ याद करती हूँ कि हाँ कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद है, पूरी इंडिया की उम्मीद है. तो वो चीज़ मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ.